पीजी किया है जी। तो अभी जो हो भाषा पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ गई आपको हो भाषा पढ़ने के लिए? वैकेंसी अगर मान लेते हैं हो भाषा ऑटोनॉमस में शामिल हो जाता है तो आपको कितना खुशी लगेगा और आप कहां तक जा पाएंगे? पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। आज हम चाईबासा में है और चाईबासा हरिगुटू में एक क्लास चलता है, जो कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी हो भाषा को लेकर दिल्ली का हम लोग धरना प्रदर्शन को लेकर कई लोग हम लोग हजारों की संख्या में गए थे। उसी का हम लोग आज देखेंगे कि क्या सही में हो भाषा का ये पढ़ाई वढ़ाई चल रहा, हो भाषा को लेकर के किस प्रकार से लोग जागरूक हैं, इस प्रकार हम लोग बात करेंगे। क्या कि हमारा हो भाषा को ऑटोनॉमस में शामिल करना क्यों जरूरी है? आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो आप लोग इस कैमरामैन जी थोड़ा दिखा दीजिए किस प्रकार के लोग हैं। क्या कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी छोटे मोटे चीज का नहीं, अपना जो फ्यूचर को लेके यानी कि जॉब को लेके तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को पढ़ना पड़ रहा। हम लोग जानते हैं कि हो भाषा को किस प्रकार ये पहले हम तो ये तो सर जो है सर आपका परिचय थोड़ा दीजिए, क्या कि आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं और कब से पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम है समझ रही, 2008 से जुलुंग इंस्टीट्यूट जुलुंग कोचिंग नाम से हम लोग हो भाषा पढ़ा रहे हैं। इसमें हो भाषा से संबंधित वर्णचित लिपि में ओकन कोची कॉलेज लेवल स्कूल लेवल को और जो मैट्रिक से लेकर पीजी कंप्लीट जोरन को अलिंग नेतालिंग पढ़ा को तना और इनके साथ साथ ना दोकन को ना एता तना ओकन ची सरकारी जो झारखंड सरकार पाए थे जो जितने भी वैकेंसी या नियुक्तियां और तना इन नियुक्ति रे तैयारी तन को इनकुलिंग पढ़ा को तना और नेन नियुक्ति तलमला को तेरे को जो 2016-17 रे ओकन को राजस्व विभाग पंचायत सचिवालय को रे नेको इमान अलिंग कोचिंग एते 17 जन मिसे को लेना और मिसे 18 जन को लेना। आप जो पढ़ाई कराए हैं यानी कि ट्यूशन दिए उससे 17 विद्यार्थी निकल चुके हैं? मैंने इनको 17 जन ने को ना जो राजस्व विभाग रे या अंचल पारे को पैड तेन के नाम ना को गया। बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि इनके द्वारा जो इनके ये पास पढ़े थे और 17 जो विद्यार्थी उनको नौकरी मिल चुकी है, बहुत बड़ा उपलब्धि है। और हो भाषा को बहुत कोई बोलते हैं कि हो भाषा पढ़ाई करके क्या होगा, हो भाषा पढ़ना क्यों जरूरी है? आप लोग समझ सकते हैं कि आज ये सारे लोग बहुत कोई पीजी किए होंगे, बहुत कोई ग्रेजुएशन किए होंगे, लेकिन ये लोग हो भाषा पढ़ने को, लेकिन शुरू से हम लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कृपया करके गार्जियनशिप से ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि ये सब पहले से ही पढ़ाए ताकि बच्चा पहले से हो भाषा को अगर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित ही अच्छे से पकड़ पाएंगे, है कि नहीं सर? एकदम बिल्कुल ना सर, के जितेंगे जामे तो ना ना तक चिन्ह सरकार के यार पर तो ना ती ना दसुनो स्कूल या पढ़ाओ तना निकतना ची तक चिन्ह तो होबा से एक मातृभाषा तना मातृभाषा इनके दरकार तना ची ओकना ची छोटे मोटे यानी हुड़ी मरंग है तेगे हुड़ी मैंने छोटा परिवार है तेगे ना छोटा स्कूल है तेगे यानी एक क्लास है ते नर्सरी तेल की जी तेना हो भाषा पढ़ाओ ते या को दरकार। लेकिन यदि सरकार यदि चिल्के चिके तन ना ओकना ची क्लास रे मैट्रिक से लेकर आयर पापी जी जोंग रे सिलेबस करे एम तक ताकि ना ना जाना जितना नौकरी होगी इनका के जो जेपीएससी लेवल जी के एम तक, लेकिन ना जोंग रे एक है ते पांच जोंग 2003 है तेना लागू कट ताकि ना यदि उन्होंने 2000 रहते आए रहते लागू किया होना एक क्लास से लेकर एंड पाते हमारा जो पूरा को पढ़ाया को पढ़ाया तो कोनो नाल करते अकुआ जाना जितने रे जो कि संबंधित योग ते संबंधित रे इनको आसानी ते को हासिल किया को और इनके ते अकुआ जा पाते ओल पढ़ा रे को चिल के इटा भाषा ते पढ़ाओ किन के डॉक्टर डिग्री को हासिल ते जा में ते अकुआ भाषा ते के गुड़िये ते तो केडे ते इन तो काजी एंड बोली एंड भाषा जब के तो केडा एंड इना डॉक्टर डिग्री हासिल ते रे सु आसान तरीके ते नमवा। आप बोले कि डॉक्टरी इसमें भी आप डॉक्टरी पद हो भाषा को पढ़ाई करके भी डॉक्टर का ये उपाधि ले सकते हैं? एकदम बिल्कुल निकेतन नाचिल के ने वर्तमान बाबू प्रधान के बाबू पदम श्री डॉक्टर जन्म सिंह सोए ओकना जो निकित ये हो भाषा को पढ़ाई करके डॉक्टर उपाधि ली है। हो भाषा के पढ़ाओ के नेते के निकी या हिंदी विभाग के टेक नेते ना हो या कि पीएचडी किट गया कि और ना कोला ची कुलान यूनिवर्सिटी रे आकिन किन नेंदिया पदवी के साथ रे कि टेक इन गया कि सेवा किन गया और आलिन आकिन विद्यार्थी ओली टेक इन गया लिन हो भाषा से संबंधित एक क्लास से लेकर पीजी जोंग यानी पढ़ाई हुआ डॉक्टर डिग्री दिया हासिल लेकिन इस आसानी तेने को नाम दई है। तो आज हम लोगों ने बात किया काय की ये आप अगर हो भाषा पढ़ाई करेंगे तो क्या हासिल होगा और आप हो भाषा पढ़ाई करके भी डॉक्टरी पद अगर उपाधि लेना चाहते हैं तो डॉक्टरी पढ़ाई है हो भाषा को पढ़ाई करके भी। हम लोग कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है और ये छोटा स्टूडेंट नहीं है, ये लोग यानी कि ग्रेजुएशन किए होंगे। सबसे पहले मैडम आपका जो ये
खड़े हो जाइए थोड़ा सा। आप जो ये छोटा स्टूडेंट तो नहीं है, बड़े हैं और आप कुछ तैयारी को लेकर आए हैं लगता है। सबसे पहले आप अपना कितने तक ये आपका क्वालिफिकेशन बताइए। मेरा नाम हेमलता हेमराम, मास्टर इन इकोनॉमिक्स रांची से। तो पहले तो सीजीएल का तैयारी कर रहे थे सेंट्रल, तो उसमें तो ऐसा नहीं था लैंग्वेज पेपर। बाद में झारखंड का प्रिपरेशन के लिए, झारखंड के जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं जेएसएससी और जेपीएससी, तो उसमें क्या हुआ कि जो है रीजनल लैंग्वेज चाहिए। तो रीजनल लैंग्वेज तो मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जीरो। तो फिर इधर मेरे को लग गया कि पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए मतलब आप अभी आप क्या सीख रहे हैं इसमें? अभी तो जो सिलेबस है वही सीख रहे हैं, क्योंकि जो अभी एग्जाम पर्पस है और बाकी कुछ नहीं। अच्छा, लिपि जानते हैं? नहीं, लिपि बिल्कुल नहीं। तो लिपि जानते तो आपको इसमें पढ़ाई करके कैसे करके आप ये कर पा रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग देवनागरी से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि समझ पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अगर मान लेते हैं हो बसा ऑटोनॉमस में शामिल हो जाता है तो आपको कितना खुशी लगेगा और आप कहाँ तक जा पाएंगे? खुशी तो होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको हम पूरे सेंट्रल लेवल तक पहुंचा सकते हैं ना। फिर जो हम लोग यूपीएससी में भी हम लोग का एक पेपर हो सकता है, तो इसीलिए आठवीं अनुसूची में शामिल होगा तो हम लोग सबके लिए बहुत फायदा है। और स्कूल में भी जिस तरह से अभी थोड़ा नेगलेक्ट किया जा रहा है बेसिक जो प्राइमरी स्कूल से, तो उसमें इंक्लूड किया जाएगा उसको। अभी जो आप हो बादशाह से पढ़ाई करके जो आपको जॉब मिलेगा, फिर हो सकता है आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसको आपको ये मतलब क्या आपको लग रहा है कि अच्छा कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं ये हो पढ़ के? हाँ, हो पढ़ के आपने आपको कैसे लग रहा है कि आप जिस भाषा को अपना मम्मी पापा अपना घर में जो बातें होता था, जो आपका अपना मातृभाषा से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये भाषा को ये लागू कर दिया गया, इस भाषा को पढ़ाई करके, यानी कि आपको मतलब क्या लग रहा है कि हम अपना मातृभाषा के साथ में आगे चल रहे हैं और मातृभाषा को बचा रहे हैं और इसको आगे लेके जाने की जरूरत है इस प्रकार का? हाँ, और आगे लेके जाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से संथाल को प्रमोट किया गया है आठवीं अनुसूची में आने के बाद, हो ऐसा नहीं है और बहुत, क्योंकि यहाँ पर को जैसे कि हम लोग तो अभी सारे पढ़ाई खत्म करने के बाद हम अभी हो पढ़ रहे हैं। वही अगर स्कूल से छोटे बच्चों को अगर पढ़ाया जाएगा तो वो ज्यादा आगे जाएगा, क्योंकि वो अगर पीएचडी करेंगे और अगर रिसर्च कुछ करेंगे तो वो ज्यादा हमारे जो भी है लोकल जो है आदिवासी लोग तक पहुंचेगा। बिल्कुल, आप अब जान रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हम लोग ये स्टूडेंट हैं, काय की हम लोग जानते हैं काय की बहुत छोटे छोटे बच्चे ऑनगोए को सब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग डायरेक्ट तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए और ये सब जितने भी है सब ग्रेजुएशन किए हुए हैं और सब पीजी किए हुए स्टूडेंट हैं। और काय की ये हम लोग जानते हैं क्या कि हो भाषा पढ़ने को लेकर के अगर अभी ये हमारा ये झारखंड राज्य के द्वितीय राज्य भाषा में शामिल है और जेएसएससी का तैयारी किया जा रहा है, अगर हो भाषा भारतीय का संविधान का 8वें अनुसूची में सब शामिल हो जाएगा तो हम लोग यूपीएससी का तैयारी यहाँ अपना हो भाषा से कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग हमारे कुलान के बहुत सारे लोग गए थे और दिल्ली, और उनके लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है और आने वाला भी उग्र रूप से लड़ाई लड़ेगी, इस प्रकार से संगठन से बात हुआ है। और इन सभी के लिए भी और सुनहरे अवसर और भी बड़ा अवसर खुलेंगे, काहे कि अभी तो जेएसएससी खुले हैं, अगर हो भाषा से अगर ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आने वाला डेट में अगर 8वें अनुसूची में शामिल हो जाता है तो देश लेवल में लोगों का काम होगा, यानी कि लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार आगे हम लोग बात करेंगे, आप अपना परिचय थोड़ा दीजिएगा। मेरा नाम प्रकाश देवगम है। अभी आप क्या क्वालिफिकेशन आपका? पीजी किया है। पीजी किया है जी। तो अभी जो हो भाषा पढ़ाई कर रहे हैं क्यों जरूरत पड़ गई आपको हो भाषा पढ़ने के लिए? वैकेंसी के कारण। वैकेंसी के कारण, अगर वैकेंसी मान लिया वैकेंसी के कारण आपको पढ़ाई करना पड़ा, क्या आप पहले हो भाषा पढ़ते थे इससे पहले? नहीं, लोगों की नजरों में हो भाषा एक तरह से अब क्या पढ़ रहे हो इस टाइप से लोग कहना था कि आप हो लेके क्या कर लोगे आगे। तो फिर जब सिलेबस में आने लगा, एग्जाम सब में इसकी जरूरत पड़ने लगा तो सब लोग एक्टिव हो गए एक तरह से, तो उसी हिसाब से ये जरूरत पड़ा। जैसे कि अभी जेएसएससी हुआ, एसएससी सेंट्रल लेवल में भी इंटरव्यू समय अगर आप अपना रिलीजन बताते हैं एसटी हैं तो जो सर है उन लोग पूछ देते हैं आप क्या जानते हैं एसटी के बारे में, इस टाइप से इंटरव्यू समय पूछा जाता है। और इसके बारे में हम दूसरे कहना चाहेंगे, जैसे कि आप हो हैं तो हो लैंग्वेज जानना चाहिए, उसके बाद आप वरंचित लिपि सीखना बहुत जरूरी हो गया आज की यह में, हो सकता है इंटरव्यू में पूछ दे ये अक्षर क्या बोलते हैं, इस अक्षर को हाँ इसका उच्चारण कैसे होता है, तो उस समय हम लोग बढ़िया से पास होने के बाद भी हम लोग फेल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात कहा, काय की बहुत कोई बोलते हैं काय की हो भाषा पढ़ने के बाद क्या होंगे,
तो आज जो इतने विद्यार्थी जो बैठे हैं ये लोग कम पढ़े लिखे नहीं है, सब कोई ग्रेजुएशन पीजी किए हुए हैं, तो उससे शायद अन्य ये में बहुत सारा कोर्स भी किए होंगे, लेकिन आज हम लोग यहाँ ये लोग को होबासा पढ़ाई करना पड़ रहा। तो पहले से हम जितने भी गार्जियन है, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप शिक्षा से रिलेटेड बातें करते हैं, तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि उन सभी से के पास भी पहुंचे, ताकि वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जानकारी हासिल हो कि ये चीज हम लोग को पहले से तैयारी होना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर इसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आप कौन कौन सा नौकरी को इसमें मैं आपको झारखंड स्तरीय नौकरी की या पूरा भारत स्तरीय नौकरी को टच करने के लिए आपको पढ़ाई करना है या कि एग्जाम देने के लिए आपको ये पेपर पढ़ना पड़ रहा है? वर्तमान में कहा जाए तो एग्जाम के बेस से हो रहा है, जो भी अधिकारी लेवल पे अभी जेपीएससी तक ही सीमित है एक तरह से बोला जाए तो। अगर ये भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो पूरा ऑल इंडिया में इसका महत्व माना जाएगा। महत्व रूप से दिल्ली में बहुत इसके लिए इस बार भी धरना प्रदर्शन हुआ, काफी संख्या में लोग गए हैं, और हो सकता है केंद्र सरकार अगर चाहा तो 8वीं अनुसूची में जरूर मिलेगा। आप लोगों का जो आप लोगों का सोच है कि आप लोगों का अभी तो जेएसएससी लेवल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको जेएसएससी लेवल मतलब झारखंड लेवल में आप कर पाएंगे, अगर गलती हो जाता है 8वीं अनुसूची में तो आप लोगों के लिए और बड़ा रास्ता खुलेगा जो आप देश स्तर में आप लोग कर पाएंगे। तो ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी हो भाषा को लेकर के, अब मतलब क्या आपको अच्छा लग रहा, फिर ये इसको नौकरी करने में आसानी होगा या जल्दी नौकरी करने का चांस मिलेगा इससे? जी हाँ, आपने सही कहा, नौकरी करने में थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर हम लोग हो चुन रहे हैं आजकल की हमें जनरेशन में। उसके बाद शुरू से अगर हम लोग ये पढ़ते आते प्राथमिक लेवल से माध्यमिक फिर अब उच्चतर स्तर पर, तो हम लोगों के लिए ये भाषा इजिली हो जाता, जैसे कि संस्कृति को लेकर के उनको जितना भी कल्चर में आते हैं, जैसे हल चलाना, पूजा पाठ करना या जो भी है संस्कृति, हर चीज में ड्रेस हुआ और हम लोग का जो भी संस्कृति, हम लोग धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहा है और सामग्री सब भी, अगर हम लोग ये चीज सब पढ़ते पहले बचपन से पढ़े आते तो उस सबका संरक्षण होता और हम लोग उसके बारे में अपने आने वाले पीढ़ी को भी जानकारी देते, ताकि हम लोग का ये जो भाषा है आगे बढ़ते हुए जाए, हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विलुप्त ना हो। साथ ही अगर ये 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद पूरे सब स्टेट में इसका लागू हो जाएगा, स्कूल बाई स्कूल होगा, बच्चे शुरू से पढ़ने लगेंगे, बचपन से लेके हायर एजुकेशन तक चलेगा। बिल्कुल, तो आज हम लोग बात किए काय की यहाँ पे कोचिंग सेंटर चल रहा, तो सबसे पहले बात है कि यहाँ पे अभी गौर करेंगे काय की बहुत सारे बीच बीच में बातें उत्पन्न होती है कि कोलान यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं है, बीच बीच में बातें होती है कि इस भाषा को लेकर के बंद कर दिया गया है, और झारखंड सरकार ने इसको द्वितीय राजभाषा में शामिल करके बहुत सारे पेपर में वो भाषा को शामिल कर दिया है। तो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि से हम रिक्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बात को लेकर चर्चा करें, काय की चर्चा करने से काय की यहाँ पे जितने भी स्कूल है उस सभी में टीचर देने का काम करे, और जितना भी हमारा कॉलेज है कॉलेज लेवल में भी शिक्षक देने का काम करे, और जब यहाँ पे द्वितीय राजभाषा में शामिल हो ही गया है और सीजीएल जैसे और जेएससी जैसे ये एग्जाम में जब इसको जरूरत पड़ गया है, तो क्यों इसमें हम लोग टीचर बहाली पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों हम लोग इस पे इसको डीएमटी फंड में भी कोरोना काल से पहले जो यानी कि 150 शिक्षक थे अभी उसको भी बंद कर दिया गया है। ये हमारे यहाँ कोलान के लिए यानी कि हो भाषा का कुछ भी जो भी जनप्रतिनिधि है वो लोगों को समझना चाहिए क्या है कि वो लोग अपना कार्य के सिवा इस पर हो भाषा को लेकर जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय को लेकर के भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए क्या है कि अपना जो जनप्रतिनिधि है उनका स्वच्छता से पूर्वक निभा करके ये सब बारे में बात करें और स्टूडेंट के बारे में समझे और शिक्षा को किस प्रकार से हम अपना मातृभाषा को किस प्रकार से आगे करें, क्या कि केंद्र सरकार भी अपना मातृभाषा को संरक्षण करने के लिए बहुत सारा स्कीम ला रही है और बहुत सारे स्कूल में बातें कर रही है। तो आज हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, हम 2 मिनट के लिए आए हुए थे तो सोचे कि नहीं ये लोग से संवाद कर लिया जाए तो हम संवाद करें। तो पब्लिक एक्शन न्यूज के माध्यम से ये न्यूज है, तो उम्मीद करेंगे कि जिसको नहीं पता उसे उधर फॉरवर्ड करिएगा और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।